रेडमी के 40 सीरीज को आज चीन में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी सीरीज में रेडमी के 40, के 40 प्रो और के 40 प्रो प्लस को लेकर आई है। कंपनी के अनुसार सीरीज में दुनिया का सबसे छोटा सेल्फी कैमरा कटआउट दिया गया है। इतना ही नहीं, रेडमी के 40 सीरीज को एमोल्ड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ लाया गया है। अगर बात करें रेडमी के 40 के लुक्स और डिज़ाइन की, तो ये फ़ोन बिल्कुल बेजल लेस डिस्प्ले पर बनाया गया है, जिसमें छोटा सा पंच होल कैमरा दिया गया है। कंपनी इसे दुनिया का सबसे छोटा पंच होल कैमरा कटआउट बता रही है, जिसका साइज 2 mm का है। इसी तरह बैक पैनल की बात करें, तो बैक पैनल काफ़ी हद तक मार्केट में मौजूद मी 11 स्मार्टफोन जैसा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके फुल स्पेसिफिकेशन और इसके इंडियन प्राइसिंग के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इस हैंडसेट में आपको 6.6 इंच का एमोल्ड E4 डिस्प्ले दिया गया, जो कि सैमसंग ने बनाया है इस डिस्प्ले को। फ़ोन को फुल HD प्लस रेजुलेशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ HDR 10 प्लस का सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पैनल का टच सैंपलिंग रेट आपको 360 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। वहीं इसके अगर प्रोसेसर की बात करें, तो इस किफ़ायती प्रीमियम स्मार्टफोन में कंपनी ने क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 SoC दिया है, जो कि 5G सपोर्ट के साथ आता है। और कंपनी का ये भी कहना है कि मोबाइल गेमिंग सर्वर के लिए ये प्रोसेसर शानदार है। कैमरे की बात करें, तो फ़ोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट पर पंच होल सिंगल सेल्फी कैमरा दिया गया है। कुल मिलाकर फ़ोन में 4 कैमरे दिए गए हैं। अगर बात करें फ़ोन के रियर पर, तो मौजूद कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है विद AI, और 5 मेगापिक्सल्स का आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल लेंस आपको दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको फ़ोन में 20 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया गया है। वहीं अगर इसका बैटरी बैकअप की बात करें, तो फ़ोन में 4520 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33 W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लेस है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से फ़ोन को केवल 50 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए कि आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रही बात इसके प्राइसिंग की, तो चीन में रेडमी के 40 के 6+128 GB मॉडल की कीमत 199 yuan लगभग 22,400 रुपया रखा गया है। वहीं इसके 8 GB+128 GB की आपको कीमत देखने को मिल जाती है 2,199 yuan लगभग 24,700 रुपया, और 8 GB+256 GB वेरिएंट की कीमत आपको 2,499 yuan लगभग 28,000, और 12 GB+256 GB मॉडल की कीमत 2,699 yuan लगभग 30,000 रुपया रखा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, तो मुझे पर्सनली इसके स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग अच्छा लगा। हाँ, कैमरा और भी बेटर दिया जा सकता था, मुझे थोड़ा बहुत इसमें कमी लगा। ओवरऑल इंडिया में इस फ़ोन को बेसब्री से वेट करेंगे, देखते हैं इंडिया में किस नाम के साथ आता है। उम्मीद किया जा रहा है कि इंडिया में इसे पोको F2 के नाम से आ सकता है। वैसे आप इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।